अच्छा इमन, पता है मैं सोच रहा हूँ आपको कल से ना असद अंकल के घर नहीं छोड़ूंगा। स्कूल के बाद एक और जगह है, वहाँ आपको छोड़ूंगा। नहीं नहीं पापा प्लीज, अब ना मुझे उनसे बहुत अटैचमेंट हो गया है और मुझे वहाँ पे बहुत मजा आता है, इसलिए अब मैं नहीं जा रही वहाँ पे ऐसे कहीं भी। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि एक ही जगह जा जाके आप बोर हो गई होगी, तो बेहतर नहीं है कि किसी और जगह ट्राई करें? वहाँ भी बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं नहीं पापा, मैं वहाँ पे बोर तो बिल्कुल भी नहीं होती, और आपको पता है अब तो हमना भी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, इसलिए अब तो मैं वहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। अरे तो वहां तुम्हारे और भी बहुत सारे दोस्त बनेंगे जिनके साथ तुम खेलोगी भी और पढ़ोगी भी, कितना मजा आएगा। सच में पापा, वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे। हाँ ना, ओके पापा, अब से मैं वहाँ जाऊंगी, लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप मुझे रोज आयशा आपी के पास लेके जाएंगे। ओके इमन बेटा, मैंने आपको कहा था ना कि आइंदा आप नहीं जिक्र करोगी आयशा आपी का। पर क्यों पापा, वो तो इतनी अच्छी है ना, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। नहीं बेटा, वो अच्छी नहीं है और आप उन्हें भूल जाओ। पर पापा, वो तो इतनी अच्छी है, मुझे स्टोरी सुनाती है, हमेशा अपने पास रखती है। पापा मुझे उनके पास जाना है प्लीज। जिस ये समझ नहीं आ रही कि आप जिद्दी कब से होने लगी। मुझे जिद्दी बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है, और मैंने आपको कहा ना कि आयदा आयशा आप ही का जिक्र नहीं करेंगी और वो इस घर में नहीं आने वाली, समझ आई आपको? अब जाओ, अपना जाके होमवर्क करो।